हेमा मालिनी की बेटी अहाना देओल 35 साल की हो गई हैं। 28 जुलाई 1985 को अहाना का जन्म हुआ था। आज उनके बर्थडे पर हम आपको एक दिलचस्प कहानी बताने जा रहे हैं। कॉलेज के दिनों में रणवीर सिंह की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। दोनों का रिलेशनशिप करीब 5 सालों तक रहा। एक साल पहले नेहा धूपिया के टीवी शो पर रणवीर सिंह ने एक दिलचस्प खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि वो और आदित्य रॉय कपूर कॉलेज के क्लासमेट्स थे। उन दिनों मुंबई के जूनियर कॉलेज में आदित्य फास्ट बॉलर हुआ करते थे और रणवीर एथलीट। दोनों का कॉलेज में काफी दबदबा था। कॉलेज की लड़कियां दोनों पर ही लट्टू रहा करती थी। लेकिन उसी दौरान रणवीर के साथ बेहद दिल दुखाने वाला वाकया हुआ था। रणवीर ने बताया, जिस लड़की के साथ उनका 5 सालों से अफेयर चल रहा था, उसने उन्हें अचानक छोड़ दिया था। रणवीर उस लड़की के प्यार में दीवाने थे। वो रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस थे, लेकिन गर्लफ्रेंड ने उन्हें आदित्य रॉय कपूर की वजह से डिच कर दिया था। वो लड़की अब रणवीर की जगह आदित्य को पसंद करने लगी थी। रणवीर ने शो के दौरान उस लड़की का नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन उनका इशारा अहाना देओल की ओर था। अहाना ने रणवीर से ब्रेकअप के बाद आदित्य रॉय कपूर से नाता जोड़ लिया था। हेमा मालिनी की छोटी बेटी अहाना और रणवीर एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ था। बॉलीवुड में आने से पहले अहाना देओल रणवीर सिंह का पहला प्यार थी। दोनों ने काफी वक्त तक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया और एक दूसरे को डेट किया। रणवीर जब पढ़ाई करने के लिए विदेश गए तो उसी दौरान दोनों के रिश्ते ने भी दम सा तोड़ दिया। रणवीर जब पढ़ाई करके इंडिया आए तो उनकी अहाना से मुलाकातें भी बंद हो गईं। आखिरकार दोनों के प्यार ने दम तोड़ दिया। कहा जाता है अहाना ने आदित्य रॉय कपूर के कारण रणवीर के प्यार को भुला दिया था। रणवीर इससे काफी दुखी हुए थे। अहाना देओल और आदित्य की नजदीकियां फिल्म गुजारिश के सेट पर भी बढ़ी। दोनों ने संजय लीला भंसाली को फिल्म गुजारिश में असिस्ट किया था। उसी दौरान अहाना रणवीर को भूलकर आदित्य के प्यार में पड़ गईं। आदित्य और अहाना ने करीब 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन बाद में उनके रिश्ते पर भी फुल स्टॉप लग गया। आदित्य का नाम उनकी आशिकी को स्टार श्रद्धा कपूर से जोड़ा जाने लगा और अहाना देओल की शादी किसी और से हो गई। अहाना अब शादीशुदा हैं। उन्होंने 2014 में बिजनेसमैन वैभव बोहरा से शादी की थी। 3 साल का एक बेटा भी है। अपनी एक्स अहाना की शादी में रणवीर सिंह अपनी करंट गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण के साथ पहुंचे थे। वक्त के साथ रणवीर और अहाना ने अपनी लाइफ में मूव ऑन किया, इसीलिए अहाना की शादी में रणवीर दीपिका के साथ गए थे। रणवीर और अहाना के रिश्ते के बारे में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को भी जानकारी थी। खैर, जो भी हो, इस वक्त तो रणवीर दीपिका के साथ हैप्पीली मैरिड हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।